हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल जूनियर ब्लॉग। फाइनली आज हम निकल चुके हैं एक बहुत ही बड़े स्कूल दिखाने के लिए। वो एक स्कूल ही नहीं है, वो एक बड़ा यूनिवर्सिटी है जो हमारे नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है, जिसका नाम है दारुलदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी। उधर उसका दारुलदा नाम इसीलिए दिया गया है क्योंकि उधर इस्लामिक से रिलेटेड जितना भी सब्जेक्ट है पूरा सिखाया जाता है। कुरान हो गया, जितना भी हदीस वगैरह हो गया, उसका कुरान तक ग्रामर हो गया, सब कुछ सिखाया जाता है। उसके साथ ही हमारा जनरल सब्जेक्ट जितना हो गया, जैसे कि साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, जितना भी जनरल सब्जेक्ट है सारे कुछ सिखाया जाता है। इतना ही बड़ा यूनिवर्सिटी है और उसका मेन कैंपस जो है वो वो केरला में मौजूद है। तो केरला सब लोग पढ़ने के लिए जा नहीं पाते, मतलब दूर होते हैं, इसीलिए हमारा नॉर्थ ईस्ट में एक बनाया गया है। वो परमरा में मौजूद है, तभी उधर जितना भी चीज़ होगा, उधर का बच्चे, उधर का पढ़ाई का सिस्टम, उधर का लाइब्रेरी हो गया, उधर का मस्जिद हो गया, सब कुछ दिखाने के लिए आप लोगों को कोशिश करूँगा। जहाँ तो आप लोग अगर परमरा जाना चाहते हैं उस यूनिवर्सिटी में, तो आप लोगों को ऐसा एक ब्रिज मिलेगा। ब्रिज इधर ये भी छोटा मोटा गाँव है, लेकिन ब्रिज बहुत अच्छा बना है, देखते हैं ब्रिज कहाँ था। बाकी पहुँचने वाले हैं अभी और फिर 5 मिनट चाहिए। फाइनली आ चुके हैं दारुलदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी के अंदर। ये है दारुलदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी का ये है फील्ड। इधर करीबन 45 बीघा बोलते हैं जितकर मिट्टी है, और बाकी देख सकते हैं इसका नज़र यही है बिल्डिंग। और आप लोगों को जूम करके ये ब्लैक वाला दिखा देता हूँ। ये ब्लैक वाला के अंदर कुछ काम वगैरह चलता है, वो मकतबों का। असम में जितना भी मकतब है, इधर जितना भी मकतब वगैरह चलते हैं, इसी ब्लैक जो कलर दिख रहा है आप लोगों को रूम, इसके अंदर उसका हेड ऑफिस है। इधर जितनी भी किताब वगैरह है, बहुत ही अच्छी किताबें इस्लामिक रिलेटेड, उधर उसका हिस्टोरी वगैरह हो गया, जितना भी हो गया वो सब इधर सप्लाई किया जाता है। इसके अंदर पूरा किताबें, और वो जो किताब है वो फ्री में दिया जाता है। जितने भी मुस्लिम कम्युनिटी से हमारे स्टूडेंट वगैरह है, पूरा मकतब में फ्री में बांटा जाता है। और ऊपर आप लोग देख सकते हैं दारुलदा इस्लामिक यूनिवर्सिटी नाम लिखा हुआ है, असम ऑफ कैंपस, मतलब ये असम है, नॉर्थ ईस्ट है। और बाकी देख सकते हैं उधर आप लोग देता हूँ, ये है इसका कार्य भी, ये स्कूल बना हुआ है। स्कूल बॉयज़ के लिए ही नहीं है, ये गर्ल्स के लिए है। और मतलब इधर ऐसा इस्लामिक रूल होने की वजह से गर्ल्स और बॉयज़ दोनों सेपरेट क्लास किया जाता है, दोनों एक साथ नहीं किया जाता है। बहुत ही अच्छा सिस्टम है। और बाकी आप लोग अंदर जाके उसका लाइब्रेरी जितना हो गया, उसका कंप्यूटर लगा हुआ है, सब कुछ दिखाने के लिए आप लोग को लेके जा रहा हूँ। आप लोग आइए हमारे साथ। तो गाइस देख सकते हैं फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। तो चलिए मेरे साथ इधर सीढ़ी से मैं ऊपर आया, और पीछे मतलब चारों तरफ से गेट बना हुआ है। आप लोगों को ऊपर से जो दिखाया था कि वो ब्लैक कलर का रूम दिखाया था, वो इसी रूम है। और रूम के अंदर आप लोगों को दिखा देते हैं उधर अंदर क्या क्या है। तो फाइनली गाइस आ चुके जो ऑफिस थे, नीचे से आप लोगों को दिखाया था, आप लोगों की याद है ब्लैक कलर का, उसका अंदर आ चुके। ये है सारे मकतबों का, आसाम का जितना भी मकतब है उसका ऑफिस है। अंदर आप लोग देख सकते हैं इधर का सिस्टम वगैरह, इधर का लैपटॉप वगैरह पूरा, इधर मतलब जितना भी आसाम का मकतब है उसका सारे काम इधर ही चलते हैं। बहुत ही स्टैंडर्ड है इधर का सिस्टम वगैरह। बाकी इधर देख सकते हैं, इधर है मेन जो मकतबों का जो मेन मालिक है, वो इधर बैठते हैं। और बाकी इसका सिस्टम देख सकते हैं चारों तरफ से एकदम पूरा, मतलब खूबसूरती अलग है। जितना भी मकतब है आसाम का, मकतब के लिए इतना सिस्टम नहीं होता है, लेकिन इसका जो सिस्टम है पूरा इस्लामिक रूल के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा खास लगा मुझे, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। बाकी आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को इस रूम के बारे में देख के कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो चलते हैं अगले किसी चीज़ दिखाने के लिए, वही इधर का कंप्यूटर। देख सकते इधर लिखा हुआ है कंप्यूटर लैब एंड डिजिटल लाइब्रेरी, और ये इस्लामिक है इसलिए उधर अरबिक से भी लिखा हुआ है। और आप लोगों को फाइनली अंदर लेके जा रहा हूँ। इधर देख सकते कोई काम कर रहे हैं उधर कंप्यूटर लैब में, और स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। आप लोग पीछे इसका नज़र देख सकते हैं, इधर का कंप्यूटर लैब। और इधर कंप्यूटर में भी एजुकेशन दिया जाता है, वही बहुत बड़ी बात है एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद भी। और आप लोग देख सकते हैं इधर कंप्यूटर में पूरा लाइन से ऑर्डर से रखा हुआ है पूरा कंप्यूटर। और इसका बीच में आप लोग देख सकते हैं एक बड़ा सा टीवी। तो इस टीवी में मतलब जो टीचर वगैरह आते हैं, जिन लोगों ने इधर कंप्यूटर क्लास देते हैं, तो अगर कोई बच्चे को समझ में नहीं आया तो इस टीवी से उन लोगों को समझाया जाता है, कोई एक कंप्यूटर इधर उसका कनेक्शन करके। बाकी इधर भी चारों तरफ से कंप्यूटर लगा हुआ है। तो यही था इधर का कंप्यूटर लैब। और बाकी आप लोगों को इधर और एक भी रूम है, वही स्मार्ट रूम। तो स्मार्ट रूम में जाके आप लोगों को सब कुछ दिखा देते हैं। तो फाइनली हम जा रहे हैं ऊपर, आप लोग देख सकते हैं। और पीछे गुंबद भी बना हुआ है क्योंकि इस्लामिक इंस्टीट्यूशन है, तो इस्लामिक इंस्टीट्यूशन में तो गुंबद बना हुआ होगा। और ये नीचे देख सकते हैं एक एसी भी लगा हुआ है क्योंकि स्टाफ वगैरह के लिए है, क्योंकि बहुत डेवलप है। और बाकी आप लोगों को सीधा जाके अंदर दिखा देता हूँ। ये इधर का रूम वगैरह है पूरा, एकदम पूरा खूबसूरत अलग ही नज़ारा है, बहुत ही ज़्यादा खास है, उमदा है यहाँ का नज़ारा। और बाकी आप लोगों को सीधा वीडियो स्किप नहीं करता हूँ क्योंकि फाइनली पहुँच गया हम स्मार्ट रूम में। तो स्मार्ट रूम में आप लोग देख सकते हैं यहाँ का सिस्टम यही है। इधर बच्चे वगैरह पढ़ते हैं, और
ऊपर जो आप लोगों को एक टीवी दिख रहा है, मतलब जो डिजिटल क्लास होता है, आप लोग अभी का ज़माने में डिजिटल क्लास भी किया जाता है, एक टीवी में मोबाइल कनेक्शन करके उधर टीवी में सब कुछ समझाया जाता है, तो वही है यहाँ का क्लास, यहाँ का रोल। एक इस्लामिक इंस्टीट्यूशन होने के बावजूद टीवी में क्लास किया जाता है, तो यही था इधर का स्मार्ट रूम। और बाकी आप लोग और चीज़ दिखाने के लिए जा रहा हूँ, तो गाइस देख सकते हैं नीचे कुछ टैप वगैरह लगा हुआ है, तो उधर है कि इधर से बच्चे लोग नहाते हैं उधर टैप से, मतलब बच्चे को पानी लाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, इतना ही फैसिलिटी है। और बाकी उधर देख सकते हैं उधर कुछ नीचे ये है कैंटीन इधर का, और नीचे वो कैंटीन के ऊपर कुछ गोल गोल घूम रहे हैं कि उससे बच्चे को जो गर्मी लगेंगे तो गर्मी नीचे से सीधा ऊपर उससे निकल जाती है, मतलब इतना ही फैसिलिटी, बच्चे को कुछ भी परेशानी नहीं होना है, इसलिए इतना फैसिलिटी के साथ इधर सब कुछ बनाया गया है। तो यही था ऊपर का नज़ारा, और जो आप लोगों को दूर वो वॉल देख रहे हैं वॉल तक है, इधर का मिट्टी का जितना भी मिट्टी चाहिए इधर सब कुछ है। और बाकी आप लोगों को और एक नज़ारा है उधर गर्ल्स स्कूल, तो गर्ल्स स्कूल भी आप लोगों को ऊपर से दिखा देता हूँ। तो गाइस यही है इधर का गर्ल्स स्कूल, उधर नीचे देख सकते हैं गर्ल्स पूरा जा रही है, अभी छुट्टी मिला है उन लोगों को। तो गर्ल्स स्कूल भी कितना मतलब अजीब तरीके से बनाया गया है, एकदम पूरा फैसिलिटी के साथ। इधर सिर्फ जेंट्स वगैरह कुछ भी नहीं है, सिर्फ गर्ल्स है, पूरा सेपरेट है। इधर बच्चे पढ़ते इसका पीछे और सामने से गर्ल्स पढ़ते, दोनों कभी भी नहीं मिलते। आप लोगों को जूम करके दिखाता था, उधर दो मैडम खड़ी हुई है, वो मैडम पढ़ाते, मतलब उधर ऐसा बॉयज टीचर भी नहीं पढ़ाते, क्योंकि इस्लामिक रूल के हिसाब से गर्ल्स के उधर बॉयज नहीं होना चाहिए, इसलिए बॉयज टीचर भी नहीं पढ़ाते, सिर्फ गर्ल्स उधर गर्ल्स ही है। तो आप लोगों को दिखा दिया। तो फाइनली गाइस हम पहुंच चुके हैं इधर का स्टाफ रूम में, तो स्टाफ रूम के अंदर आप लोगों को सब कुछ दिखा देते हैं, यहाँ का सिस्टम वगैरह जितना भी है। इधर हमारा एक भाई है इधर काम कर रहे हैं, और बाकी स्टाफ रूम का आप लोग नज़र देख सकते हैं, ये इधर का स्टाफ रूम। और बाकी इसके बाद ही आप लोगों को सीधा दिखाऊंगा आप लोगों को हमारे इधर का लाइब्रेरी, आप लोग बने रहिए मेरे से। तो गाइस देखिए हम फाइनली पहुंच गए इधर का लाइब्रेरी के अंदर, तो आप लोगों को लाइब्रेरी के अंदर जाके दिखा देते हैं इधर का सिस्टम वगैरह हो गया। देखिए सारे बच्चे इधर पढ़ रहे हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी बेकार वगैरह बच्चा कुछ भी नहीं बचा है। इधर का किताब वगैरह देख सकते हैं पूरा ऑर्डर से रखा हुआ है, और इधर ज़्यादा आप लोगों को जनरल सब्जेक्ट भी मिलेगा इधर का लाइब्रेरी में, और इधर का आप लोगों को इस्लामिक सब्जेक्ट भी मिलेगा। तो आप लोगों को इधर से हमारा एक भाई को आप लोग एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि भाई साहब इधर कितना तकरीबन कितना किताब होगा इधर? 7000 से ज़्यादा इधर का किताब होगा, मतलब कितना ही किताब इसका अंदर है, ये इधर का लाइब्रेरी। तो आप लोगों को आप लोग बता दीजिएगा कि कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को इधर का लाइब्रेरी का सिस्टम कैसा लगा, इधर का बच्चे किस तरह किस स्टाइल से पढ़ते हैं, वही आप लोगों को सिस्टम इधर का सिस्टम जितना भी है वो लोग आप लोगों को वही आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। तो इधर का यही लाइब्रेरी है, इधर का यही सिस्टम है। और इधर एक देख सकते हैं हमारा इधर दो भाई बैठ रहे हैं कि ये लोग जो इधर से लाइब्रेरी से जो किताब लेके जाते हैं, तो किताब को पहचानने के लिए इधर से कंप्यूटर में कुछ लिखा जाता है। तो भाई साहब आप इधर क्या करते हैं, इधर का काम क्या है आप लोग? इधर कुछ काम नहीं है, अगर जो बार कोड स्कैन करके उधर किताब का रिपोर्ट रखा जाता है कुछ काम नहीं। तो गाइस यही था इधर का लाइब्रेरी। तो फाइनली इसके बाद आप लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ दिखाऊंगा कि इधर का क्लासरूम का सिस्टम। तो ये था आज का वीडियो, तो आप लोगों को सीधा अभी क्लासरूम में लेके जा रहा हूँ। तो गाइस आ चुके हैं फाइनली हम क्लासरूम में, तो क्लासरूम का ये सिस्टम है। क्लासरूम के इधर सामने भी टीवी लगा हुआ है, अगर कुछ डाउट वगैरह है तो टीवी में क्लियर करते। बाकी इस यही है इधर का क्लासरूम का सिस्टम। तो इन भाई से मैं पूछना चाहूँगा इधर का क्लासरूम का सिस्टम कैसे है? सुबह 7 बजे से लेकर असर नमस्कार यानी 3 बजे तक चलता है। हमारा टोटल सब्जेक्ट 17-18 सब्जेक्ट होता है, लेकिन पूरा करने की नहीं सकते, इसलिए लिखिए हम 9 क्लास करके रखते हैं। और इधर कितना बच्चे पढ़ते हैं अभी? हमारा क्लास में 30 बच्चे और पूरा अगर दरभंगा में देखा जाए तो 300। तो ये इधर का सिस्टम। तो यही था आज का ब्लॉग। तो गाइस यही था आज का वीडियो, आप लोगों को सब कुछ दरभंगा के बारे में जितना भी चीज़ होगा सब दिखाया। तो मस्जिद का भी आप लोगों को दिखा नहीं पाया क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबे हो गया था, तो इतना लंबा वीडियो भी नहीं डाल सकता हूँ। अभी तकरीबन 12 मिनट से ज़्यादा हो गया, उसमें भी काट के आप लोगों को वीडियो में अपलोड कर दूँगा यूट्यूब पर। तो यही था आज का वीडियो, तो ये पार्ट 1 है, पार्ट 2 में आप लोगों को इधर का जो मस्जिद है मस्जिद का व्यू दिखाऊंगा। तब तक के लिए आप लोग अगर चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब कर देना और एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। तो आज यही था आज का वीडियो, तो मिलते हैं कोई अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा बाय।